हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हम आज का अपना ही वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 58। और चलिए इसी के साथ देखते हैं हम आज का अपना ही पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डिजीज आर कैटेगराइज्ड एज जूनोटिक डिजीज इन इंडिया। आपको बताना है मुझे कौन सा डिजीज है जो कि जूनोटिक डिजीज माना जाता है। जूनोटिक यानी जो जानवरों से इंसान में हो। पहला है एंथ्रैक्स, दूसरा जापानीज इंसेफ्लाइटिस, तीसरा है येलो फीवर और चौथा है डेंगू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों ही चारों सही है। एंथ्रेक्स होता है सीरियस इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड एक बैक्टीरिया होती है, उसी की वजह से होता है। दूसरा है पीपल विल गेट इन्फेक्टेड इफ दे कम कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स एज कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब कोई एनिमल कॉन्टैक्ट में आए, एनिमल से बनी हुई कोई प्रोडक्ट्स उससे कॉन्टैक्ट में आए तो इंसानों को ही होता है। बेसिकली जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है वो सारे बीमारियाँ, वो सारे डिजीज़ जो कि जानवरों की वजह से होता है, जू जानवरों की वजह से। येलो फीवर है ये स्प्रेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स है। डेंगू भी मॉस्किटो बाइट्स के थ्रू होता है। जो आपका जापानीज इंसेफ्लाइटिस है ये फैलीबी वायरस से कनेक्टेड है। ये डेंगू, येलो फीवर या वेस्ट नाइल जो रिवर है वहाँ से ये स्प्रेड हुआ था बाई मॉस्किटोज, मॉस्किटोज के द्वारा ये भी स्प्रेड हुआ था। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम यूज अ वर्जन ऑफ ट्रायंगुलेशंस टू लोकेट द यूजर थ्रू कैलकुलेशन इनोवेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ सैटेलाइट विच वन अमंग द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। तो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन होता है वो ट्रायंगुलर शेप की तरह बना के आपको लोकेट करता है, यानी कि ट्रायंगल शेप बना के आपको बताता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है। तो कैलकुलेशन में जो भी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है वो इन्हीं सैटेलाइट के नंबर समय आती हैं। तो आपको बताना है इनमें से किसको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में कंसिडर यानी कि लिया नहीं जाता है। पहला है QZSS, दूसरा है नाविक, थर्ड है गगन, चौथा है बेदू और पांचवा है ग्लोनस। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1, 2 एंड 3, यानी कि 4 एंड 5 क्या है गलत है। जो QZSS है वो कजाई जेनिथ सैटेलाइट है, ये एक जापानीज रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। नाविक जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। थर्ड है गगन, इट इज़ अ GPS बेस्ड सिस्टम फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया था, ये भी इंडियन है गगन। बेदू ये चाइना का ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। और जो पांचवा ग्लोनस है ये रशिया का ग्लोबल नेशनल नेविगेशन सिस्टम है। तो आपको इनमें से ये बताना था कि कौन सा ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम में नहीं आता है। तो जो तीन है ग्लोबल नेविगेशन ही है बल्कि लोकल नेविगेशन है, कहने का मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का है, जबकि बेदू जो ग्लोनस है ये क्या ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द साउथ अटलांटिक एनोमली इज एन एरिया वेयर द अर्थ इनर वन एलन रेडिएशन बेल्ट कम्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ सरफेस डीपिंग डाउन टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज्ड फ्लक्स ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द रीजन एंड एक्सपोज्ड ऑर्बिटिंग सैटेलाइट टू सफर मोर सीवियर डैमेजेस ड्यू टू हायर लेवल ऑफ रेडिएशन। विच अमंग द फॉलोइंग टेलीस्कोप एंड सैटेलाइट ऑपरेशन वर नॉट इंटरप्रेटेड बाई द साउथ अटलांटिक एनोमलीज रेडिएशन। ये आपको चार सैटेलाइट्स के नाम दे रखे हैं, आपको बताने हैं उनसे कौन सा सैटेलाइट सिस्टम है जो कि अटलांटिक जो अनोमलस हैं एंड रेडिएशन जो भी हो रही हैं उनको पता लगाने में उसमें
मतलब कौन सा इसकी जो सैटेलाइट है जो अटलांटिक एनोमलर रेडिएशन की वजह से इंटरप्ट नहीं होता है, ठीक है, आपको बताना है कौन सा एनोमलीज रेडिएशन की वजह से इंटरप्ट नहीं होता, लिखा नॉट इंटरप्टेड। पहला है आर्टोसाइट्स, दूसरा है हबल्स को टेलीस्कोप, थर्ड है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और चौथा है IRNSS। तो इसका सही आंसर है 4 IRNSS। IRNSS इंडिया का है और ये किसी भी अटलांटिक एनोमलस रेडिएशन से इंटरप्ट यानी कि उसमें दखलंदाजी नहीं होती है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम इज ऑफ इसरो एम्स टू कनेक्ट टू फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स इन दिस स्पेस, कौन सा इसरो का प्रोग्राम है जो कि दो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्पेस में जोड़ने का काम करती है, इधर टू ट्रांसफर मैन और मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर और टू जॉइन टू स्ट्रक्चर टू मेक बिगर वन सच एज इंडियन स्पेस स्टेशन विच विल बी डिप्लॉयड इन द फोर्थ कमिंग ईयर। कहने का मतलब है कि जो अभी इसरो का अपना बताया कि इसरो ने कोई एक मिशन स्टार्ट किया है जिसमें आपको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने की बात किया गया, जिससे कोई भी इंसान या कोई भी वस्तु एक दूसरे से ट्रांसफ़र करने की एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने वाली ट्रांसफ़र के लिए काम करता है, जैसे कि कोई इंडियन स्पेस स्टेशन हो तो जो कि आगे फोर्थ कमिंग ईयर में होने वाला है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इस संदर्भ में सही है, जो नीचे ऑप्शन से कौन सा इस स्टेटमेंट के संदर्भ में सही है। तो सही आंसर है डी स्पाइडेक्स। स्पाइडेक्स का फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, एक इंडियन टेक्नोलॉजी मिशन है टू ये दर्शाने के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि एक ऑटोनमस डॉकिंग है, खुद से करने वाली डॉकिंग है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी बहिष्कृत हितकर्मी सभा, जो बहिष्कृत हितकर्मी सभा उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इट वॉज स्टार्टेड टू रिमूव द डिफिकल्टीज फेस्ड बाई द अनटचेबल्स एंड प्लेसिंग देयर ग्रीवांसेस बिफोर गवर्नमेंट। ये स्टार्ट किया गया था जो भी अनटचेबल्स थे, जो दलित थे जिनको अनटचेबल बोला जाता था, तो जिस तरह की भी डिफिकल्टीज जो भी परेशानियाँ झेल रहे थे तो उसको हटाने के लिए एक इन्होंने वो किया था, प्रेजेंट किया था अपनी मतलब अपनी बात को रखा था गवर्नमेंट के सामने ताकि इन डिफ़िकल्टीज को हटाया जा सके। दूसरा इट वॉज जॉइंटली फाउंडेड बाई ज्योतिराव गोविंदराव फुले एंड गोपाल गणेश अगरकर इन महाराष्ट्र। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है बहिष्कृत हितकर्मी सभा के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है ए वन ओनली, यानी इससे पहला स्टेटमेंट सही है। बहिष्कृत हितकर्मी सभा ये एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जिसको बनाया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर रिमूविंग डिफ़िकल्टीज ऑफ द अनटचेबल, जो भी अनटचेबल्स को डिफ़िकल्टीज हो रही थी उनको हटाने के लिए एंड प्लेसिंग द ग्रीवांसेस बिफोर गवर्नमेंट और अपनी परेशानी को सरकार के सामने रखने के लिए ये सभा उन्होंने बनाई थी। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है इट इज़ एन अकाउंटिंग लेजर विच कैन स्टोर डेटा ऑन एनी रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ एनी काइंड। ये एक अकाउंटिंग लेजर है क्योंकि किसी भी रियल टाइम जो हो रहा है रियल वर्ल्ड में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं चाहे वो किसी भी तरीके की हो उनके डेटा को स्टोर करने का काम करता है। दूसरा है एनी वन इन दिस स्टेटमेंट कैन व्यू दी कंटेंट्स ऑफ द ब्लॉकचेन, यानी कि कोई जो भी चाहे वो इसमें अपना कंटेंट्स इस ब्लॉकचेन में देख सकता है, स्टेटमेंट उसकी पढ़ सकता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर इसी बोथ वन एंड टू यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक सबसे खास बात यह होती है कि ये जुड़ी होती है चेन्स की तरह है, मतलब कि कोई भी चेंज आप इसमें कर ही नहीं सकते हो अदरवाइज आपके जब तक लोगों के साथ सहमति ना हो। एक फेडरल स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, ऐसे गवर्नमेंट में फेडरल पॉलिटी में सेवरल फेडरल स्ट्रक्चर होता है जहाँ सबकी सहमति से कोई निर्णय लिया जाता है, ठीक उसी तरह ब्लॉकचेन में भी ऐसा ही होता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिसेंटली पब्लिश सेंसस डेटा ऑन माइग्रेशन इन इंडिया,
जो पलायन हो रहे हैं हिंदुस्तान में उसके संदर्भ में एक डेटा पब्लिश हुआ था हाल ही में, उसके संदर्भ में चार स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला है इंटरा स्टेट माइग्रेशन इज मोर देन इंटर स्टेट माइग्रेशन, यानी अंतर्राज्य जो पलायन है यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य का, वो ज़्यादा है बजाय उसी राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में पलायन होना या एक गांव से दूसरे गांव में पलायन होना। दूसरा है वुमेन कंप्राइज 2/3 ऑफ द टोटल माइग्रेशन पॉपुलेशन, कहने का मतलब है कि जो पलायन हो रहा है इसमें से 2/3 क्या है सिर्फ महिलाएँ हैं। तीसरा है द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर अमंग दोज विद द लोएस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जो उत्तरी पूर्वी राज्य है हमारे, वो इसमें सबसे कम यानी कि पलायन में सबसे कम नॉर्थ उत्तरी पूर्वी राज्य हैं। और चौथा है उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ आउट माइग्रेंट्स वाइल महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ इन माइग्रेंट्स, कहने का मतलब जो उत्तर प्रदेश है उसमें आउट माइग्रेंट्स यानी से यहाँ से पलायन हो रहा है कि लोग यहाँ से अब दूसरे राज्यों की तरफ जा रहे हैं, जबकि जो महाराष्ट्र है उसमें इन माइग्रेंट यानी कि वहाँ पर दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही है। अच्छा, जो सेकंड स्टेटमेंट है वुमेन कंप्राइज 2/3, तो आप उसमें किसी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। इसमें आपको ये समझना होगा कि शादियाँ जब होती हैं तो उसमें विदाई बेटियों की होती है ना कि बेटों की, तो इसलिए जो वुमेन का माइग्रेशन है वो 2/3 है टोटल माइग्रेशन में, यानी कि जितनी पलायन होती है उसमें 2/3 सिर्फ औरतें हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइकॉम सत्याग्रह, जो वाइकॉम सत्याग्रह था उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला, इट वॉज लॉन्च्ड बाई के केलप्पन आफ्टर द काकीनाडा सेशन ऑफ INC 1923, एंड के केलप्पन ने इसकी शुरुआत की थी, काकीनाडा सेशन जो इंटरनेशनल कांग्रेस की हुई थी 1923 में, उसके बाद शुरू किया था। दूसरा है योगेश्यमा सभा द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नामबोद्रीज पास्ड रिजोल्यूशन फेवरिंग द ओपनिंग ऑफ टेंपल टू अवरनाज, कहने का मतलब है जो योगेश्यमा सभा थी उन्होंने एक मतलब जो नामबोद्रीज की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास की थी जिसमें मंदिरों के दरवाजे और वर्नास यानी कि जो वर्नास में नहीं आते हैं या फिर जो उसमें लोअर में आते हैं उनके लिए खोले जाने की बात रखी गई थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। वाइकॉम सत्याग्रह शुरू किया था KP केशवा ने, उन्होंने केरला में लॉन्च की थी बाई डिमांडिंग थ्रोइंग ओपनिंग ऑफ हिंदू टेम्पल एंड रोड्स टू द अनटचेबल, और उनका जो मुख्य उद्देश्य था इस सभा का बनाने का ये था कि अनटचेबल्स के लिए जो अछूत जिनको बोला जाता था उनके लिए मंदिरों के दरवाजे खोले जाएं, क्योंकि उस समय मंदिर इन लोगों के लिए यानी अनटचेबल्स को जाना अलाउ नहीं था। तो उसी के संदर्भ में ये वाइकॉम सत्याग्रह हुआ था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टर्म ओसाका ट्रैक वॉज इन अ न्यूज रिसेंटली, इट इज़ एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ओसाका ट्रैक हाल ही में आपने एक ये शब्द अखबारों में सुना होगा, न्यूज़ों में सुना होगा आपने जनरली, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है अभी G20। ये G20 के संदर्भ में ओसाका ट्रैक, जो ओसाका है वो जापान की एक सिटी है ओसाका, तो ये वहाँ से जुड़ा हुआ। तो ओसाका ट्रैक लेड्स टू फाइनलाइजिंग द इंटरनेशनल रूल्स फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑफ WTO, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो रही है WTO में, यानी कहने का मतलब जो ऑनलाइन शॉपिंग ये सारी हैं इनसे जुड़ी ये बनाई गई थी, एक फाइनेंशियल इंटरनेशनल रूल्स बनाने की बात हुई थी इस ओसाका ट्रैक में। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है, हाल ही चर्चाओं में काफ़ी रही है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1946, 1947 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बना था उसी के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने कैबिनेट मिशन की जो प्लान थी यानी कैबिनेट मिशन डायरेक्ट इलेक्शन की मदद से
बनाई जाएगी, ये इनका पहला प्रपोजल था। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद बिकेम दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे पहले राष्ट्रपति, वो इस इंटरिम गवर्नमेंट के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे यानी उपराष्ट्रपति थे। दूसरा, द मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन दिस इंटरिम गवर्नमेंट, यानी जो मुस्लिम लीग थे जिसको मोहम्मद अली जिन्ना चला रहे थे, उन्होंने इसमें पार्ट लेने से, हिस्सा लेने से मना कर दिया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि तीनों स्टेटमेंट गलत है। इंटरिम गवर्नमेंट बना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एंड विच वॉज इलेक्टेड बाई द प्रोविंशियल असेंबली, और उसका इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली द्वारा हुआ था बाय वोटिंग, तीन ग्रुप में बटी थी, पहला एक जनरल, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। और जो ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, दिस वॉज नो प्रोविजन फॉर द, देर वॉज नो प्रोविजन फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट किसी भी तरीके का जो वाइस प्रेसिडेंट के पद थी ऐसा कुछ भी नहीं था इस गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट में। तीसरा है, वेबल क्वालिटी ब्रॉट द मुस्लिम लीग इनटू द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन अक्टूबर 26, 1946। जो वेबल थे उन्होंने मुस्लिम लीग को साथ लाया था, यानी कि ये बात गलत है कि मुस्लिम लीग साथ नहीं आई थी, उसने मना किया था। तो ठीक है, तो ये था कि मुस्लिम लीग भी इसमें हिस्सा लिया था, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट में हिस्सा लिया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। और जाने से पहले हम आपको हमारे लास्ट वीडियो यानी कि हमारा जीएस टेस्ट पेपर जो 57 था उसका क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो द क्वेश्चन ऑफ द डे था, ऋषिकुंड हॉट वाटर स्प्रिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, जो ऋषिकुंड हॉट वाटर स्प्रिंग है किस राज्य में स्थित है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है सी, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है ऋषिकुंड। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का अपना एन जीएस टेस्ट पेपर 58 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, हसदेव बंगो डैम ऑन हसदेव रिवर इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो हसदेव बंगो डैम है ये हसदेव नदी पे है, तो आपको पता नहीं किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन से ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटका, सी पंजाब या डी अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।